रात के करीब 11 बज रहे हैं। खिलाड़ी अब इस धरना स्थल पर सोने की तैयारी में है। आप देख सकते हैं यहाँ साक्षी जो है अपना बिस्तर लगा रही हैं। ये वो पहलवान हैं जिन्होंने देश को अलग अलग मौकों पर मेडल दिलाया है, लेकिन आज मजबूर हैं इस जंतर मंतर के फुटपाथ पर सोने के लिए। कई बार हमने देखा है कि खिलाड़ी देश को मेडल दिलाते हैं, देश का जो सीना है उसको चौड़ा करवाते हैं, देश का तिरंगा वो ऊंचाई पर फहराता है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि साक्षी जिनके पास ओलंपिक का मेडल है वो यहाँ इस फुटपाथ पर इस मच्छरदानी के साथ सोने की कोशिश कर रही हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जो न्याय की मांग है उसको लेकर बात कर रहे हैं। पोडियम से फुटपाथ पर आ गए हैं, मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी इस वक्त हमारे साथ हैं। रात के 11 बज रहे हैं, साक्षी खुद अपना बिस्तर बना रही हैं यहाँ पर। साक्षी, हाँ, मैं देख रही हूँ, नहीं आ रहा। ये एक बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में, क्योंकि हमने आपको हमेशा पोडियम पर देखा है, मैट पर देखा है, लेकिन इस तरीके से फुटपाथ पर रात में अपना बिस्तर बना रही हैं, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखो, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें 7 दिन पूरे हो गए हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। बस मैं यही बताना चाहूँगी कि अभी हम यहीं हैं और हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। परेशानियाँ चाहे कितनी भी आए, जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा है, मेडल तो बहुत बाद में आया है, इतने ऊपर लेवल तक जाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, उनमें से सब में से हम निकले हुए हैं, तो उस स्ट्रगल के आगे ये कुछ स्ट्रगल नहीं है। और एक अच्छाई के काम के लिए अगर यहाँ सोना पड़ जाए चाहे कितने भी दिन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साक्षी, आप सोने जा रही हैं, लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, तमाम दिक्कतें हैं, इसको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? खिलाड़ी के तौर पे कितना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ रहा है आप सब लोगों को? इस लड़ाई भी लड़नी है और जीतने की आस भी है। आस तो देखो पूरी है जीतने की, और लाइट पंखा तो कुछ मैटर नहीं करते, खाना मिल रहा है, बस इतना काफी है। चलिए तो साक्षी को सोने देते हैं और थोड़ी ही देर में हम बाकी खिलाड़ियों के पास भी चलेंगे और जानेंगे कि आखिर इस जंतर मंतर पर उनकी ये जो रात है बिना लाइट के, बिना पंखे के, किस तरीके से गुजर रही है। हर एक दिन इसी उम्मीद में ये खिलाड़ी यहाँ पर सोते हैं, दिन भर धरना प्रदर्शन करते हैं, उम्मीद यही रहती है कि जब कल की सुबह होगी तो शायद न्याय हमारे साथ होगा। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना चल रहा है, 6 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। पहली आप कह सकते हैं सीढ़ी इन पहलवानों ने चढ़ी है जब दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सरन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। लेकिन अब देखिए कि रात का जो वक्त होता है वो ये तमाम जो मेडल विनर्स हैं वो कैसे गुजारते हैं, जंतर मंतर के इस फुटपाथ पर खाना कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं और अंधेरे में खा रहे हैं। खास बात ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ लाइट नहीं है, पावर कट है, इस अंधेरे में ये खिलाड़ी खाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज मैं भी इन सब तमाम जो हमारे एथलीट्स हैं, बजरंग हैं, साक्षी हैं, संगीता हैं, इधर जीतू भाई हैं, सोमवीर है, ये तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं इनके साथ हम खाना खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि एथलीट मजबूरी में क्या खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं। सबसे जरूरी चीज ये है कि अपने करियर को दांव पे लगाया हुआ है इन खिलाड़ियों ने, सोमवीर सब्जी दी भाई, और अब उम्मीद यही है कि अगली सुबह शायद न्याय की सुबह होगी। तो आइए इन सब खिलाड़ियों के साथ खाना खाते हैं और देखते हैं कि आज की रात कैसे गुजरती है यहाँ पर।